प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश इंचार्ज वैजयंत जय पांडा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पांडव नगर पहुंचे। इस मौके पर शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, निगम पार्षद गोविंद अग्रवाल के अलावा कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करता है, साधारण नागरिकों की सफलता को लोगों तक पहुंचाने और प्रोत्साहित करने का काम करता है। आदेश गुप्ता ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था करता है, जहां पर स्थानीय लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनते हैं। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि निगम चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी तैयार है, बूथ स्तर पर 10 मीटिंग आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में 1,00,000 से अधिक छोटी बैठकों का आयोजन होगा। इस दौरान केंद्र सरकार की योजना, निगम के कार्यों और दिल्ली सरकार की नाकामियों को लेकर चर्चा की जाएगी। लोगों से उनका फीडबैक भी जाना जाएगा। आदेश गुप्ता ने कहा कि निगम चुनाव एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से जीतेगी। देखिए, पार्टी में हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को कार्यक्रम होता, हर बूथ पर ये कार्यक्रम होता और आज पांडव नगर के 123 नंबर बूथ पे कार्यक्रम हुआ है। आगामी निगम चुनाव को भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर छोटी छोटी 10 मीटिंग्स करने का निर्णय लिया है और बड़ी तेज़ी से हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल और जिला के उस काम में लगे हैं और हम दिल्ली में 1,00,000 से अधिक इस तरह की छोटी बैठकें करके जनता का फीडबैक के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, कॉरपोरेशन निगम की उपलब्धियां और इसके साथ साथ हम केजरीवाल सरकार की नाकामियों के बारे में चर्चा करके एक बहुत अच्छा ये इसका संदेश जा रहा है और बूथ स्तर पर हमारी मजबूत इकाई है और हम निगम आने वाले निगम चुनाव को जीत 100% जीतेंगे। देखिए, अटल जी की जयंती पर 25 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम रखा है, जिसको 11 फरवरी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इसमें हम 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1,000 रुपये और ऐसी अमाउंट देकर नमो ऐप पर पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। मास लेवल पर पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े, समर्थक जुड़े, वेल विशर जुड़े, जो सदस्य हैं वो जुड़े और उनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए माइक्रो डोनेशन। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता चाहती, शुचिता चाहती, इसलिए लोगों के सहयोग और समर्थन से, उनके योगदान से पार्टी चले, इसलिए एक बड़ा अभियान है माइक्रो डोनेशन, स्वच्छ राजनीति की ओर अभियान है, मास लेवल का अभियान है, लोगों को जोड़ने का अभियान है। न सिर्फ पैसे का महत्व है बल्कि लोगों के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, उसको इस रूप में भाव ये रखा गया माइक्रो डोनेशन का, जो कि हम लोग इसको बड़ी लेवल पे कर रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम पिछले इतने सालों से देश को इकट्ठा करना, एकजुट करना, जुड़ने का काम करता है। साधारण नागरिकों का सफलताएं के बारे सभी को बताने का काम और उत्साह करने का काम करता है, प्रोत्साहन देने का काम करता है और हम भारतीय जनता पार्टी के जरिया हर बूथ में ऐसा कार्यक्रम करते हैं। आज शाहदरा जिला में 11 बूथ में ऐसे काम हम मिलकर मन की बात सुनने के कार्यक्रम चल रहे हैं, ये बहुत ही प्रोत्साहन देता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।